सरकारी कॉलेजों में पिछले कई दिनों से फीस बढ़ोतरी को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आज रतिया के छात्र कॉलेज के मेन गेट के आगे धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि सरकार द्वारा कॉलेज में फीस में बढ़ोतरी की गई है और इसको लेकर मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देकर की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की गई है, मगर सरकार द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। छात्रों ने आज फिर कॉलेज के आगे धरना दिया और प्रदर्शन किया। छात्रों ने सरकार से मांग की है कि बढ़ाई गई फीस तुरंत वापस ली जाए, नहीं तो छात्र जल्द पंचकुला में बड़ा आंदोलन करेंगे। ये नारे मामले मामला ये मसला है कि हरियाणा सरकार पिछले दिनों से जो कॉलेजों के अंदर फीस की बढ़ोतरी की है, ये एक नाजायज़ फीस है और हरियाणा छात्र यूनियन पहले प्रदर्शन भी कर चुकी है और तहसीलदार के माध्यम से हमने शिक्षा मंत्री को लेटर भी भेजा हुआ है, लेकिन अभी तक लगता भी ऐसा कुछ फीस घटाने की संभावना नहीं है और सरकार ने एकदम पाँच जहाँ पर 4,000 रुपये का एडमिशन होता था वहाँ पर 7,000 रुपये एडमिशन हो रहा है और इतनी बड़ी मात्रा में फीस बढ़ाना जो निम्न परिवार से बच्चे आते हैं उन पर एक आर्थिक संकट सरकार ने बहुत डाल दिया उन पर। और हमारी सरकार से यही मांग है कि वो अपना जो फैसला है जो वापस ले। और इसके अलावा आपको जो कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर में जिसकी री है और उसका भी एडमिशन नहीं कर रहे हैं और हमारी यही मांग है कि जो सरकार है अपना फैसला वापस ले और जो गरीब परिवार से बच्चे आते हैं वो इसी कारण से एडमिशन नहीं ले रहे हैं कि वो इतनी बड़ी मात्रा में फीस नहीं भर सकते हैं। और सरकार अगर अपना फैसला वापस लेती है तो हमारी कल एक स्टूडेंट फ्रंट जो हरियाणा के अंदर संगठन काम कर रहे हैं छात्रों के साथ, उन पर मिलकर एक बड़ा संगठन जो एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। कंचन टीवी के लिए रतिया से सुनील कुमार की रिपोर्ट।